मामला पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चाका ग्राम का है, जहां 22 तारीख की रात्रि 9:30 बजे अंधविश्वास के चलते प्रजापति समाज के लोगों ने महिला घसीटिया बाई निवासी चाका के साथ मारपीट की थी। मारपीट शादी विवाह में दिए गए गिफ्ट को लेकर हुई थी। आरोपी प्रजापति परिवार का कहना था कि घसीटिया बाई द्वारा मेरी बच्ची की शादी में जो गिफ्ट दिया था उसने भूत प्रेत बाधाएं भेंट की है, जिसका विरोध करने पर आरोपी प्रजापति परिवार ने महिला के चाचा को रस्सियों से बांधकर मारपीट कर दी थी। वो महिला जिससे गंभीर हो गई और महिला को अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला को प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया और पुलिस ने दोनों पक्ष पर मारपीट की धाराओं पर मामला दर्ज किया था। मगर महिला की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे जबलपुर इलाज के लिए ले गए, जहां जबलपुर में महिला के दिनांक 26 जून की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने 26 जून की दोपहर 2 बजे चौधरी समाज के सैकड़ों लोगों ने अमानगंज थाने का घेराव कर दिया और आरोपियों पर 302 का मामला दर्ज करने की मांग रखी। हम मेरी बच्ची के मारते थे, खेत में वहाँ पहुँच गए मौके पर, बस पानी चंगा उठाते हो, बस पटक लाओ, बांध लाओ, मारो। किसने मारा है, कहाँ मारा है, ये नहीं जानता किसने मारा, किन लोगों ने मारा है, आपको नाम मालूम है? उनके नाम नहीं मालूम, वही तो मैं आना चाहूँगा, है ना, होता ही अब वो बांधा ही लाओ, जो पुरानी गोली रहा वो साफ पता। लड़ाई की वजह क्या है, लड़ाई क्यों? लड़ाई की वजह ये है, गिफ्ट की बताओगे? गिफ्ट दिया था तो उसमें क्या बोला उन्होंने? इनने बोला कि हमें भूत लगा के दिया। भूत लगा के कौन बोल रहा था? वे लोग जिनने मारा है। क्या बोल रहे थे? कि भूत लगा के दिया ही गिफ्ट। अंधविश्वास के चलते ये मारपीट हुई। अच्छा, आज आप लोग यहाँ खाने में आए हैं, किस कारण से आए हैं, क्या वजह है कि आप इतने सारे लोगों को आकर यहाँ इकट्ठे हुए? अभी इससे अब लिहाज ही हो गई, खत्म हो गई, बच की हाँ। तो क्या पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया, क्या मामला दर्ज किया गया, रिपोर्ट हुई है? कोई रिपोर्ट नहीं है तो कहना कि हमने 2 लोगों 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, रिपोर्ट नहीं ली है। आज हम लोग जो श्री के पास चाका है, चाका वहाँ चौधरी समाज की महिला को, वहाँ के लोगों जो प्रबल टाइप के लोग थे, उन लोगों ने महिला के साथ बहुत मारपीट की, मारपीट बांध के मारा वहाँ जो चौधरी समाज के लोग हैं। मारने के बाद आज उस महिला की खत्म भी हो गई है, अस्पताल से अभी डेड बॉडी आ रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो धाराएं लगनी चाहिए थी उस समय वो धाराएं नहीं लगाई गई थी और जितने नाम जोड़ने चाहिए थे वो नहीं जोड़े गए थे, जिसके लिए आज हम लोग पूरा हमारा जो समाज है पूरा बैठा हुआ थाने के अंदर। हम तब तक जाने वाले नहीं है तब तक 302 सभी के ऊपर नहीं लग जाता और गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। अभी तक हमें मालूम नहीं ना, हमारे किसी लोगों को मालूम है काउंटर केस बना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसमें मिलजुल करके जो कार्य किया है वो निंदनीय है, हम इसकी वो घोर निंदा करते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी 302 की बात करते हैं, 302 लगे सबके ऊपर और इन्हें न्याय मिले। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? जो भी आपसी रहा हो, विवाद पहले रहा हो इनका, या फिर शादी में कोई गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में ये मारपीट हुई है, अंधविश्वास को लेकर के गिफ्ट दिया, बोले हमें भूत लगे, इस तरीके की अफवाह जो पाखंड है उसके चलते ये चीजें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलो बहुत गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अंधविश्वास नहीं जान लेंगे। बिल्कुल, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि 302 लगाया जाए, पांचों को गिरफ्तार किया जाए तत्काल। चाका पाठा में 22 और 23 जून की दरमियानी रात में एक झगड़ा हो गया था चौधरी समाज में और प्रजापति समाज में। तो चौधरी समाज की जो घसुटिया बाई चौधरी है महिला, उन्होंने रिपोर्ट की थी थाने में इनके मस्तराम वगैरह 3 लोगों के खिलाफ, प्रजापति समाज के लोगों के खिलाफ, कि इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की है। इस पर हमारे यहाँ उस दिन मुकदमा कायम हो गया था अमानगंज थाने में 3 लोगों के खिलाफ, और उसके बाद इलाज के लिए घसुटिया बाई रवाना हो गई थी। इलाज के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई है, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी जानकारी मिली है। अभी जैसी कागज आते हैं तो हम लोग, इन लोगों का ये कहना है कि 302 लगाई जाए तो 307 में ये तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, धारा 307। सर, घटना की वजह क्या बताई जा रही है इसमें? घटना की वजह तो इनकी मारपीट है, बाकी कोई पड़ोसी का विवाद है और उसके बारे में हम डिटेल अभी हमें बीच उतना नहीं है। अच्छा सर, जो मृतका है उनके परिजनों का आरोप है पुलिस के ऊपर कि यहाँ पे हम लोगों ने 2 बार आए सर, हमारी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई,
अगर ऐसा है तो लोग लिख के दें पैसे वगैरह की मांग भी की गई और जो मुख्य आरोपी थे उनमें से तीन लोगों को ही अरेस्ट किया गया, दो लोगों को नहीं किया गया। अगर दो को नहीं किया गया तो दो आवेदन दें, हम उसमें उनको विवेचना में शामिल करेंगे और अगर उनके खिलाफ एविडेंस आता तो निश्चित तौर पर उन्हें आरोपी बनाएंगे। जी, तो अभी उनकी विशेष मांग क्या है सर? उनकी ये है कि उसमें धारा 302 बढ़ाई जाए, तो वो तो जैसे कागज आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्गेंटिमिशन आता है तो हम उसमें धारा 302 का इजाफा होगा, ये तो क्लियर कट बात है। रही बात उनका कहना है कि दो आरोपी और बढ़ाए जाए तो आवेदन दे देते हैं तो हम उसको विवेचना में शामिल कर लेते हैं और जैसा एविडेंस आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।